नमस्कार दोस्तों, रियलमी जी टी न्यू 3T स्मार्टफोन है। इस पर डिस्काउंट अभी भी काफी अच्छे लेवल का मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो बैंक ऑफर है इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या है बैंक ऑफर और किस तरीके से अप्लीकेबल करना है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंटरव्यू देखिए, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन पर अभी कोई भी सेल नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जी टी न्यू 3T स्मार्टफोन है, इस पर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का है। पहले इस फोन पर आपको मिलता था SBI बैंक के साथ डिस्काउंट, लेकिन अभी जो है बैंक ऑफर को थोड़ा सा चेंज किया गया है और दूसरे बैंक के कार्ड से आपको मिलता है डिस्काउंट। डिस्काउंट किस तरीके से है और कैसे लेना है, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन खोलने के बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है हर दिन उत्सव करके, और इसी के अंदर डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का है। और यहाँ पर मेंशन किया गया है सिटी बैंक के साथ डिस्काउंट, जो कि आप यहाँ पर देख पाओगे। और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को मेंशन किया गया है, जहाँ से आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अगर हम स्मार्टफोन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारा ऐसे फोन है जिस पर डिस्काउंट अच्छे लेवल का मिल रहा है, और इसी में है जी टी न्यू 3T स्मार्टफोन। आप यहाँ पर देख पाओगे जो कि मिलता है 21K में। यह फोन 21K में बहुत पहले से मिल रहा है और इसका स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छा है। हालांकि ऐसा स्पेसिफिकेशन अदर कंपनी ने भी प्रोवाइड कर रखा है, लेकिन उसका प्राइसिंग कहीं ना कहीं ज्यादा है जी टी न्यू 3T 5G स्मार्टफोन की अपेक्षा। जो 6128 का ब्रांड है, इसका प्राइसिंग है 26,000 और डिस्काउंट करने के बाद ये फोन पड़ेगा 20,500 का। आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर जो अभी ऑफर है इसके अंदर ये फोन मिलता है 20,500 में। इस प्राइसिंग में ये फोन काफी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इससे पहले आपको मिलता था 21K में, लेकिन अभी मिलता है 20,500 में। और यहाँ पर जो 20,500 का प्राइसिंग है, इसमें कोई भी एक्सचेंज बाउंस को मेंशन नहीं किया गया है। एक्सचेंज बाउंस को नीचे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको मिलेगा 2,000 का एक्सचेंज बाउंस, जो कि अलग सेक्शन है। और मैंने आपको बताया था कि ये फोन पर पहले मिलता था SBI बैंक के कार्ड के साथ डिस्काउंट, लेकिन अभी डिस्काउंट मिलता है सिटी बैंक के कार्ड से और डिस्काउंट काफी अच्छे लेवल का है। तभी तो ये फोन मिल रहा है 20,500 में, और इस प्राइसिंग में ये फोन काफी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज इससे पहले इस प्राइसिंग में देने को नहीं मिला ये फोन। अगर हम बात करें कि डिस्काउंट किस तरीके से है और कैसे अप्लीकेबल करना है, तो आप यहाँ पर देख पाओगे सबसे पहले है प्रीपेड ऑफर, जहाँ पर आपको मिलेगा 2,000 का डिस्काउंट। उसके बाद है सिटी बैंक के कार्ड के साथ डिस्काउंट, आप यहाँ पर देख पाओगे। और यहाँ पर मेंशन किया गया है सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को। अगर हम बात करें कि डिस्काउंट कैसे मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर मेंशन किया गया है सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड को और डेबिट कार्ड को ही मेंशन किया गया है, और दोनों से आपको मिलेगा 1,500 का डिस्काउंट। उसके बाद यहाँ पर 500 का और भी डिस्काउंट है, आप यहाँ पर देख पाओगे। उसके बाद एक और डिस्काउंट है 1,500 का, जहाँ पर बता रहा कि अगर आप 5,000 या फिर इससे ऊपर का पेमेंट करते हो तो 1,500 का डिस्काउंट मिल सकता है। तो यहाँ पे जो भी डिस्काउंट है वो काफी अच्छे लेवल का है, और इस डिस्काउंट को ऐड करने के बाद आप जी टी न्यू 3T स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो 20,500 में। इस प्राइसिंग में ये फोन काफी अच्छा खासा हो जाएगा। हालांकि इस फोन का स्टॉक काफी कम है, लेकिन इस फोन पर जो डिस्काउंट है वो काफी अच्छे लेवल का है, आप यहाँ पर देख पाओगे। तो आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो, बिकॉज 20,500 में ये फोन काफी अच्छा खासा हो जाएगा। हालांकि अंडर 20K में आपको मिलता है रेडमी का K50i 5G स्मार्टफोन भी, लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन उतना अच्छा नहीं है। आप यहाँ पर देख पाओगे एक यहाँ पर दूसरा कलर है जो कि है येलो कलर, इसको बाय करने का ऑप्शन आ रहा है। चलिए हम चेक करते हैं कि डिस्काउंट किस तरीके से अप्लीकेबल हो रहा है। हालांकि सिटी बैंक का कार्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पर आ चुका है ओपन बॉक्स डिलीवरी का सेक्शन। इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता रखा हूँ पिछले वाले वीडियो में, आप उस वीडियो को पक्का चेक कर लीजिएगा। यहाँ से करता हूँ एक्सेप्ट कंटिन्यू। ये करने के बाद पेमेंट का पेज खुल गया जाएगा। पेमेंट के पेज पर आप यहाँ पर देख पाओगे यहाँ पे 2,000 का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि है प्रीपेड ऑफर। बिकॉज मैंने आपको बताया कि मेरे पास सिटी बैंक का कार्ड नहीं है, इसलिए यहाँ पे और डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास सिटी बैंक का कार्ड होगा तो ये फोन पर डिस्काउंट अच्छा मिलेगा, और डिस्काउंट करने के बाद ये फोन पड़ेगा 20,500 का, जो कि काफी अच्छा हो जाता है। 20,500 में ये फोन काफी अच्छा हो जाएगा। अगर आपको बाय करना है तो बाय कर सकते हो। धन्यवाद।